हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र शर्मा फिर से आपका अपने चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज टेंसेस की कड़ी में, टेंसेस की सीरीज़ में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो सबसे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, आज हम पास्ट परफेक्ट के कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, अंत तक देखें बिल्कुल, क्योंकि सेंस और फॉर का मैं एक स्पेशल प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको स्पेशल यूज बताने जा रहा हूँ। हाँ, तो इसको लास्ट तक देखें कि किस तरह से होता है। और एक निश्चित वर्ड होता है जिसके साथ सेंस फॉर का प्रयोग नहीं होता है, तो उसको जानने के लिए आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें। देखिए, इसकी जो पहचान होती है, इस टेंस के जो वाक्य होते हैं हिंदी वाक्य, उसकी जो वर्ब होती है उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या ता रहा था, ती रही थी आदि शब्द आते हैं। और इसमें समय दिया होता है। हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस के भी ये पहचान होती है, लेकिन उसमें समय नहीं दिया होता है। एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि वह रो रहा था, हाँ, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। और ये बोले हम वह 2 घंटे से रो रहा था, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। तो केवल इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्या है पहचान का ये अंतर है कि इसमें काम करने का समय भी दिया होता है, कब से वर्क स्टार्ट हो रहा है, क्या है, कैसे है, केवल समय जरूर उसमें दिया होता है। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो ओनली हेल्पिंग वर्ब होती है, और वो होती है हैड बीन। क्या होती है? हैड बीन। और हैड बीन जब अकेली है तो इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर नंबर का है, चाहे प्लूरल नंबर का है, कैसा भी सब्जेक्ट है, सभी के साथ हम हैड बीन का यूज़ करते हैं, सबके साथ हैड बीन का यूज होता है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें ING लगाई जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। निश्चित समय जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम सेंस लगाते हैं, और जो अनिश्चित समय है, जो जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम भी कहते हैं, उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। तो निश्चित समय के लिए सेंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम सेंस एंड पीरियड ऑफ टाइम फॉर। अब सेंस का यूज कहाँ करते हैं? यदि दे रखा है बजे, जैसे 2 बजे से, 5 बजे से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, कल से, और किसी महीने का नाम हो जैसे कि मार्च से, किसी ईयर का नाम हो जैसे कि 2009 से, 1995 से, 1989 से, तो वहाँ किसका यूज होता है? सिंस का यूज होता है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप केवल एक का लर्न कर लें, एक को मेमोराइज कर लें, बाकी तो फोर का, तो फिर जब आपने सिंस का कर लिया तो बाकी क्या बचा? फोर का बचा ना। जब सिंस का कर लिया तो बाकी फोर का बचा, या फोर का लर्न कर लें तो सिंस का बचा। तो चलो फोर का भी बताते हैं। मान लो होता है समय, जैसे 2 सेकंड से, 5 सेकंड से, तो उसके लिए फोर का यूज होता है। 5 मिनट से, 10 मिनट से फोर का यूज, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 6 घंटे से, 2 दिन से, 4 दिन से, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 4 महीना, हाँ, 1 वर्ष, 2 वर्ष, तो इस तरह से सेंस और फोर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो रूल्स के बाद बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर देख लीजिए, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और उसके बाद में टाइम दिया होता है। ठीक है, जैसे वह 3 दिन से अपने नौकर को पीट रहा था, तो पहले सब्जेक्ट लगाया हमने ही, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाई हैड बीन, फिर वर्ब होगी बीट, उसमें ING लगा दिया, बीटिंग अपने नौकर को, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज होती है, हिज सर्वेंट, और ये कैसा समय है? पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय, इसलिए यहाँ पर हमने फॉर लगाया। तो ही हैड बीन बीटिंग हिज सर्वेंट फॉर 3 डेज। अच्छा, अब क्या करते हैं इसमें? अब नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यदि कनेक्टेड है, मींस 2 शब्दों से बनी हुई है, जैसे कि ये हैड और बीन से बनी हुई है, तो नॉट का यूज इसके बीच में करेंगे। और कहना चाहिए हमको कि हमेशा जो पहला शब्द होता है, नॉट का यूज हमेशा उसके बाद होता है। तो हेड के बाद में यहाँ पर यदि हम नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट आ जाएगा। हाँ, क्या बन जाएगा? ही हैड नॉट बीन, यदि बोले हम वह 3 दिन से अपने नौकर को नहीं पीट रहा था, तो यहाँ पर हमने जब नहीं लगा दिया तो यहाँ पर नॉट लगा दिया, बीच में नॉट आता है, तो ये नेगेटिव बन गया, ही हैड नॉट बीन बीटिंग हिज सर्वेंट फॉर 3 डेज। इसके बाद में देखते हैं हम इंटरोगेटिव्स। इंटरोगेटिव मैंने बताया आपको 2 प्रकार के होते हैं हमेशा से, हाँ, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप में क्या करते हैं हम, वही हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, लेकिन पिछले टेंसेस में भी बताया कि यदि इसी तरह से कनेक्टेड है तो इसमें क्या होगा
कि हेड तो सब्जेक्ट से पहले आएगी और बीन उसके बाद में आएगी, उसके बाद में वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर वही ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और उसके बाद में टाइम, और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। हाँ ठीक है, जैसे क्या तुम रविवार से पुस्तकालय जाते रहे थे या जा रहे थे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, हेड लगा देंगे, लग गया हेड, हेड के साथ सब्जेक्ट यू और बीन उसके बाद में, हेड यू बीन, वर्ब क्या है जाना, तो गो आ जाएगा, गोइंग आईएनजी लगा दिया, लाइव टू लाइब्रेरी, और रविवार से, तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा निश्चित समय, सिंस संडे। सेकंड टाइप में क्या होता है, मैंने आपको पिछले टेंस में भी बताया है, सेकंड टाइप में बस केवल कितना अंतर होता है, सेकंड टाइप में बस इससे पहले हम क्वेश्चन वर्ड और लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन वर्ड। अब हम एग्जांपल भी देख सकते हैं इसका, जैसे कि वह 3 दिन से किसी पढ़ा रही थी, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा किसे, और किसे को क्या बोलते हैं हम, होम, उसके बाद में वही हेल्पिंग वर्ब का एक हिस्सा पहले हैड, फिर सब्जेक्ट सी, उसके बाद में फिर बीन, वही बात आ गई ना, पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब का एक हिस्सा, उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर बीन, उसके बाद में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, टीच और उसमें आईएनजी हो गया टीचिंग, 3 दिन से फॉर 3 डेज, फॉर क्यों आया, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। अब एक चीज बताई थी मैंने कि एक स्पेशल वर्ड है, और स्पेशल वर्ड क्या है, हाउ लॉन्ग, क्या है, हाउ लॉन्ग, और ये हाउ लॉन्ग क्या है, इसके साथ सिंस या फॉर का यूज नहीं होता है, सिंस या फॉर का यूज नहीं होता है, जैसे कि तुम यहां कब से रह रहे थे, ठीक है, तो कब से की अंग्रेजी क्या होगी यहां पर, हाउ लॉन्ग होगी, हाउ लॉन्ग हैड यू been living here, हाँ, तो कब से के साथ, समझने वाली बात है कि जहां how long का यूज होता है वहां हम since और for का यूज नहीं करते हैं। तो guys मैं समझ रहा हूं कि आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, okay?